हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 11th स्टैंडर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहां पे दिया गया है, इस चैप्टर का नेम यहां पे बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज हम लोग को दी गई है, इस एक्सरसाइज का क्या सोल्यूशन है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे एक्सरसाइज देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में टोटल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यहाँ पे दिए गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है डीओएस, मतलब यहाँ पे डॉस के बारे में पूछा गया है। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे डी के हिसाब से डिस्क दिया हुआ है, एस के हिसाब से यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। अब ओ मतलब क्या है, तो यहाँ पे डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ऑपरेटिंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, इंटरनेट इज और डॉट डॉट नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे इसका आंसर ग्लोबल है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर्स। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का यूएसबी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, यू मतलब क्या है, जैसे एस का मतलब यहाँ पे दिया गया है, एस मतलब सीरियल, बी मतलब बस, तो यू का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल, और पूरा फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा यहाँ पे तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ये यूएसबी का फुल फॉर्म है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हु एम आई, हु एम आई ये लिनक्स की एक कमांड है। अब लिनक्स के जो कमांड है इसके रिलेटेड वीडियो बनाई गई है, आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक कमांड आप लोगों को बता देता हूँ। अब हु एम आई इसका ओरिजिनल आंसर कौन सा है, फर्स्ट तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को प्रिंट सीपीयू इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को सीपीयू की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है तो वहाँ पे हम लोग एल एस सीपीयू ये कमांड यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट पाथ ऑफ द करंट डायरेक्टरी। अगर हम लोग करंट डायरेक्टरी चेक करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पीडब्ल्यू डी कमांड यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन हम लोग यहाँ पे दिया गया है प्रिंट द नेम ऑफ द करंट यूजर। अब यहाँ पे प्रिंट नेम ऑफ करंट यूजर, अब हम लोगों को प्रिंट करना है करंट यूजर का नेम, तो वहां पे हम लोग हु एम आई जैसे हम लोग कमांड टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो जो भी करंट यूजर है वहां पे उसका नेम हम लोगों को वहां पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हु एम आई इसका आंसर है प्रिंट द नेम ऑफ करंट यूजर, ये उसका आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे मैन। अब मैन का फुल फॉर्म क्या है, जैसे एक पे दिया एरिया, एन का दिया नेटवर्क, तो एम का फुल फॉर्म है यहाँ पे मेट्रोपोलिटन। तो यहाँ पे ये मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, तो मेट्रोपोलिटन ये उसका ओरिजिनल आंसर है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द डिवाइस इनटू एप्रोप्रिएट कैटेगरीज। अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज हम लोग को दिए गए, एक इनपुट है और एक आउटपुट है। अब इनपुट डिवाइस में जैसे जो इनपुट यहाँ पे आते हैं नेम्स, तो फर्स्ट यहाँ पे इनपुट आता है बारकोड रीडर, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा कीबोर्ड, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये सभी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में अगर हम लोग आउटपुट डिवाइस में यहाँ पे आप लोगों को नेम टाइप करना है तो यहाँ पे टाइप कर देंगे मॉनिटर, ये फर्स्ट आउटपुट है। उसके बाद में प्रिंटर है, उसके बाद में स्पीकर है, ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 करेक्ट आंसर देना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का द प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। तो हम लोगों के सीपीयू की जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों का आंसर रैम और यहाँ पे सेकंड पे आप लोग दोगे रोम, तो रैम रोम ये इसका आंसर है। उसके बाद में इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का द नेटवर्क आर्किटेक्चर विच आर वाइडली यूज आर। अब जो नेटवर्क आर्किटेक्चर हम लोग वाइडली यूज करते हैं, अब टेक्स्ट बुक्स में जो हम लोगों को यहाँ पे दिए गए, फर्स्ट दिया गया है पीयर टू पीयर और सेकंड यहाँ पे दिया है क्लाइंट सर्वर। तो यहाँ पे इसका आंसर है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे कुछ कमांड दिए गए हम लोगों को, तो जैसे यहाँ पे एल एस कमांड है, उसके बाद में सी डी कमांड है। तो एल एस कमांड जब हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे एल एस लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी, मतलब यहाँ पे फर्स्ट का आंसर यहाँ पे सी है। उसके बाद में यहाँ पे एफ टी पी है, एफ टी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे इसका एक फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब यहाँ पे टू ट्रांसफर फाइल ऑन इंटरनेट, इंटरनेट थ्रू हम लोग फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 एफटीपी का आंसर है यहाँ पे डी, टू ट्रांसफर फाइल ऑन इंटरनेट, ये इसका आंसर है। उसके अंदर सीडी ये कमांड हम लोगों को दी गई यहाँ पे, सीडी मतलब यहाँ पे इसको चेंज डायरेक्टरी के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ पे ए, चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का डीएनएस। डीएनएस को बोला डोमेन नेम सर्वर। तो यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं नेटवर्क एड्रेस, तो यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट करने के लिए डीएनएस यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 डीएनएस का आंसर यहाँ पे बी, ट्रांसलेट्स
नेटवर्क एड्रेस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का, नेम द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द डायग्राम। जैसे एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, मिडल में हम लोग दिया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल की कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे एंड्रॉइड है, उसके बाद सेकंड हम लोगों की आशा है, थर्ड नंबर यहाँ पे ब्लैकबेरी है और फोर्थ नंबर iOS है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये आंसर देना है, फर्स्ट होगा यहाँ पे एंड्रॉइड, सेकंड आशा, थर्ड नंबर ब्लैकबेरी और फोर्थ नंबर पे iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, कंप्लीट द फॉलोइंग विद लिनक्स कमांड विद देयर यूज। तो फर्स्ट कमांड यहाँ PWD। अब PWD कहाँ पे यूज किया जाता है, प्रिंट्स द पाथ टू द करंट डायरेक्टरी। अब यहाँ पे जैसे हम लोग पेज नंबर 21 पे चले जाएंगे, 21 पे यहाँ पे सब दिया गया है, PWD का यहाँ पे क्या है, प्रिंट्स द पाथ टू द करंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे इसके लिए यूज किया जाता है। और जो हम लोग सेकंड वहाँ पे पूछा गया है कि LS, तो LS का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि प्रिंट्स द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज इन द करंट वन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे वही सेम आंसर आप लोग यहाँ पे दिए गए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं PWD इसका आंसर है प्रिंट द पाथ टू द करंट डायरेक्टरी। और जो LS कमांड है, LS कमांड के यहाँ पे दिए गए प्रिंट द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरीज इन द करंट वन। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं ये इसका आंसर है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, कंप्लीट द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन से, फर्स्ट यहाँ पे मिडल में हम लोग को दिया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल में अलग अलग प्रोटोकॉल आ जाते हैं, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे 6 हम लोगों को बॉक्स दिए गए, तो 6 प्रोटोकॉल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। जो फर्स्ट प्रोटोकॉल यहाँ पे हम लोगों का ये TCP/IP, यहाँ पे TCP/IP ये फर्स्ट प्रोटोकॉल है। सेकंड हम लोग यहाँ पे DNS है, उसके बाद में DHCP है, उसके बाद में FTP है, HTTP है, SMTP है। अब और भी यहाँ पे हम लोगों को इंटरनेट प्रोटोकॉल दिए गए, जैसे अगर आप लोगों को चेक करना है तो यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 25 यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे शो होगा प्रोटोकॉल्स दिए गए, फॉर TCP/IP है, उसके बाद में यहाँ पे DNS है, DHCP, FTP, HTTP, IMAP है, IRC है, उसके बाद में POP3 है, SMTP है। तो यहाँ पे इतने सारे आप लोगों को दिए गए। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल जितने भी आप लोग यहाँ पे दिए गए उसमें से सिर्फ 6 आप लोगों को यहाँ पे देना है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे 6 दिए हुए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, कंप्लीट द फॉलोइंग लॉन्ग फॉर्म। अब लॉन्ग फॉर्म मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म हम लोगों को टाइप करना है। फर्स्ट यहाँ पे पूछा गया लैन, अब लैन मतलब क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट लैन का एल का मतलब दिया लोकल और एन का मतलब दिया है नेटवर्क। तो अब ए का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे इसका आंसर है एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद सेकंड हम लोग फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे GUI। तो यहाँ पे यू का मतलब यूजर दिया है, आई का मतलब इंटरफेस। अब जी का मतलब यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पे ग्राफिकल ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया OSS, तब तो यहाँ पे ओ का मतलब ओपन दिया है, एस का मतलब यहाँ पे सोर्स है, और जो सेकंड एस यहाँ पे शोर है लास्ट में। अब इसका मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ये उसका आंसर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया, यू आर टाइपिंग अ लेटर यूजिंग कंप्यूटर एंड सडनली देयर इज अ पावर फेलियर, विच टाइप ऑफ मेमोरी डज दिस एक्टिविटी डील। अब यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया कि आप लोग जब लेटर टाइप कर दोगे, लेटर टाइप करते रहते अचानक से अगर यहाँ पे पावर चली गई तो वहाँ पे कौन सी मेमोरी यहाँ पे डील करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे आप लोगों को इसी टेक्स्ट बॉक्स में इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, जैसे 15 नंबर पेज आप लोग जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, द इंफॉर्मेशन स्टोर इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट एज अ पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर है। तो आप लोग यहाँ से जैसे जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे, तो उसका आंसर क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उसका आंसर है। उसके बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग। अब आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, गिव एग्जांपल ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को इसका आंसर दिया हुआ है, जैसे पेज नंबर हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 12। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा आप लोग डिटेल में दिया हुआ है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर टेक्स्ट वर्ड नंबर और रॉ फैक्ट्स, हाउ एवर इन्फॉर्मेशन इज द डेटा फॉर्मेटेड इन अ मैनर दैट अलाउज इन टू बी यूटिलाइज बाय द ह्यूमन बींग इन सम सिग्निफिकेंट वे। तो ये उसका आंसर है। और अगर आप लोगों को एग्जाम्पल देना तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और इस एग्जाम्पल को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक ये सब कुछ दिया हुआ है आप लोगों को, तो इन से लेके XYZ तक आप लोग यहाँ पे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का यहाँ पे, एक्सप्लेन
फंक्शन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शन यूनिट हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, पेज नंबर 13 यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये उसका आंसर है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर जो दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आप लोगों को यहाँ पे इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, तो यहाँ पे डिटेलिंग दिया गया है। इनपुट यूनिट है यहाँ पे, जैसे आप लोग देख सकते हैं इनपुट के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें आप लोगों को एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को उसके अंदर दिया कंट्रोल यूनिट, उसके बाद में मेमोरी यूनिट, और यहाँ पे आप लोग दिया टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वीडियो है यहाँ पे आप लोग पॉज करके ऐसे देख लेना, या जैसे टेक्स्ट बुक से आप लोगों को ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर दो और वहाँ से आप लोग इसे यूज कर सकते हो। उसके बाद में आउटपुट यूनिट है, तो यहाँ से आप लोग देखने तो यहाँ तक उसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द स्टोरेज यूनिट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज। अब यहाँ पे स्टोरेज यूनिट मतलब क्या है और उसके टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के स्टोरेज कौन से, तो यहाँ पे आप लोग पेज नंबर 15 पे जैसे आ जाओगे, 15 नंबर पेज पे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ मेमोरी, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पे रैम रोम है, और सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप से, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क है और SSD। तो यहाँ पे आप लोग उसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ लिनक्स इज डिफरेंट फ्रॉम विंडोज। यहाँ पे हम लोग अगर एक्सप्लेन करना है लिनक्स डिफरेंट क्यों है विंडोज से, तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर है कि फर्स्ट यहाँ पे आप लोग दिया जाएगा लिनक्स इज ओपन सोर्स सिस्टम वेयर एज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कमर्शियल। तो आप लोग ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पे जो भी आप लोगों का आंसर दिया हुआ है आप लोग नोट डाउन कर देना, और अगर आप लोगों को ये चाहिए कि एक्सप्लेन करना है आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन द लिनक्स एंड विंडोज, तो स्क्रीन के ऊपर जो भी आप लोगों को यहाँ पे मैंने टेबल दिया हुआ है इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है लिनक्स इज एन द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वही पे अगर विंडोज में अगर आप लोग जाओगे तो वाइल विंडोज आर द नॉट द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड यहाँ पे पॉइंट आप लोग क्लियर किया है लिनक्स इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे विंडोज दिया है वाइल इट इज कॉस्टली। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट डाउन कर देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द लैन मैन एंड वैन। तो यहाँ पे आप लोग लैन मैन वैन इसके बारे में डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों को, तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लैन का एक कॉलम अलग से दिया हुआ है, मैन का एक कॉलम है और यहाँ पे वैन का एक कॉलम, मतलब ये टेबल आप लोग यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं लैन मतलब क्या, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। उसका मैन मतलब क्या है, तो मैन मीन्स मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड नंबर कॉलम यहाँ पे वैन का दिया है, वैन मीन्स क्या है, तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आप लोग उसके बाद में जितने भी आप लोग पॉइंट यहाँ पे दिए गए आप लोग अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर देना, या फिर जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक में जो भी पॉइंट दे उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने अलग अलग पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को बताना था कि इसका सोल्यूशन क्या है, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन बताया हुआ है। फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।